नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय पहला परिमेय संख्याएं। पिछले वीडियोस में हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 1.1 के अंतिम सवाल तक। अब हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2। उससे पहले हम पढ़ेंगे इसका परिचय। प्रश्नावली 1.2 में आपको पढ़ना है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। ये कैसे होता है देखिए, पिछली कक्षाओं में आप देख चुके हैं प्राकृत संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। कैसे देखिए, ये हैं प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत तक। अब इस संख्या रेखा में शुरुआत होती है 1 से और ये चलती है अनंत तक। इसी प्रकार आप देख चुके हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत तक। क्या होता है, ये 0 से शुरुआत होती है इसकी और ये भी जाती है अनंत तक। तीसरा, पूर्णांक। पूर्णांक को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, ये लिखते हैं 0। 0 के दाईं तरफ होती है धनात्मक संख्याएं और बाईं तरफ होती है ऋणात्मक संख्याएं। अब हमें प्रदर्शित करना सीखना है परिमेय संख्याओं को। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है, देखिए, यदि हमें प्रदर्शित करना है 1/2 को, परिमेय संख्या है, कैसे प्रदर्शित करेंगे, 1/2 क्या होता है, 1 का आधा। तो ये संख्या रेखा पर कहाँ उपस्थित होगा, 1 से पहले, 0 और 1 के बीच। कैसे देखिए, संख्या रेखा ये 0 और ये 1, आधा क्या है, 1 से कम है, तो ये 1 से पहले होगा। पॉजिटिव है ये, धनात्मक है, मतलब 0 के इस तरफ तो नहीं होगा, 0 के इधर ही होगा, मतलब इन दोनों के बीच में होगा। तो इसको कितने भागों में बांट दो, आधा कर दो इसका, तो ये वाला भाग क्या प्रदर्शित करेगा, 1/2। क्लियर हुआ, किसको प्रदर्शित करना था, संख्या रेखा पर 1/2 का। तो क्या हुआ, ये 1/2, ये हो गया 1/2। अब इसी प्रकार 1/3 को प्रदर्शित करना हो तो 0 और 1, इस वाले भाग को बांट दो 3 बराबर भागों में, बट गए, एक ये भाग और एक ये भाग, 3 बराबर भाग हो गए। तो ये वाला भाग प्रदर्शित करेगा 1/3 को, ये 2/3 को और ये 3/3, मतलब 1। क्लियर हुआ, यहाँ 1/3 को प्रदर्शित करना है संख्या रेखा पर, तो कहाँ होगा, ये कितने बराबर भागों में बांटा है, 0 और 1 को 3 बराबर भागों में बांटा है, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। तो ये प्रदर्शित कर रहा है 1/3, ये प्रदर्शित कर रहा है 2/3 और ये प्रदर्शित कर रहा है 3/3, मतलब 1। नेक्स्ट आपको प्रदर्शित करना है 1/4, कैसे करेंगे, 0 और अब आप सोच सकते हैं 1, इस इकाई को कितने भागों में बांटेंगे, अब 0 और 1, 2 करना था तो 2 भागों में बांटा, 1/3 प्रदर्शित करना था तो 1, 2, 3 बराबर भागों में बांटा, ये 1, ये 2 और ये 3। अब 1/4 है तो कितने समान भागों में बांटोगे, 4, 1, 2, 3, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। तो पहला भाग प्रदर्शित करेगा 1/4, दूसरा भाग प्रदर्शित करेगा 2/4, तीसरा भाग प्रदर्शित करेगा 3/4 और चौथा भाग किसको प्रदर्शित करेगा, 4/4, मतलब 1। इतना भाग प्रदर्शित कर रहा है 1/4, इतना भाग 2/4, इतना भाग 3/4 और ये पूरा भाग प्रदर्शित कर रहा है 4/4, मतलब 1 को। क्लियर हुआ, ऐसे ही यदि अब आपको प्रदर्शित करना है 1/7, तो 0 से 1 वाली इकाई को कितने बराबर भागों में बांटेंगे, जितना हर है, मतलब 7, ये 0 और ये 1, कितने भाग करने हैं आपको, 7 भाग करने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6,
तो ये तो हो गया 1/7, ये 2/7, ये 3/7, ये 4/7, 5/7, 6/7 और ये 1 क्या हो गया, 7/7। तो 1/7 कहाँ होगा संख्या रेखा पर, ये रहा। आपको पूछा जाए 4/7 कहाँ होगा, तो ये रहा। 6/7 कहाँ होगा, ये रहा। आपको पूछा जाए 8/7 कहाँ होगा, तो देखिए संख्या रेखा तो क्या है, अनंत तक चलती रहती है। ये 1 यहाँ पर आएगा, 2 बीच वाले भागों को 7 बराबर भागों में इसमें भी बांटेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये वाला पार्ट हो गया 8/7। फिर 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7 और 14/7 किसके बराबर हो जाता है, 7 के पहाड़े से कटेगा, आ गया 2। क्लियर हुआ। अगर आपको प्रदर्शित करना हो 12/7 तो कहाँ पर होगा, ये 12/7। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, जितना हमारा हर में दिया होता है उतने ही समान भागों में बांटा जाता है, किसे, 0 और 1 वाली इकाई को। समझ में आया कैसे संख्या रेखा पर परिमेय संख्या प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, यदि आपको दिया गया है 3/10 और 7/10 के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए, कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, कितने भागों में बांटना पड़ेगा, हर में क्या दिया गया है 10 दिया गया है, तो कितने भागों में बांटना पड़ेगा 0, 1, 0 और 1 वाली इकाई को, 10। कैसे, ये हुआ 0, ये हुआ 1, 10 भागों में बांटना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो ये वाला भाग प्रदर्शित करेगा 1/10, 2/10, 3/10। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर क्या है, 8/10, 9/10 और 10/10 मतलब 1। देखो अब इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो रही है, 4/10, 5/10 और 6/10। तो आपको पूछा गया था कि 3/10 और 7/10 के मध्य परिमेय संख्याएं लिखिए, तो कौन सी प्राप्त हुई, 4/10, 5/10 और 6/10। अब देखिए यदि किसी भी दिए गए भिन्न में अंश और हर में समान संख्या का गुणा किया जाए तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए कैसे, हमें भिन्न दिया गया है 3/10, यदि अंश और हर में 10 का गुणा कर दिया, 10 और 10 ये आपस में कट जाएंगे तो एक ही है ना, तो अंश और हर में समान संख्या का गुणा कर सकते हैं, उससे भिन्न पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए क्या प्राप्त हो गया, 30/100। ठीक है, ऐसे ही 7/10 में भी अंश और हर में 10 का गुणा कर दिया तो प्राप्त हुआ 70/100। अब कहा जाए इनके बीच की परिमेय संख्याएं लिखिए, तो क्या लिखेंगे आप, 31/100, फिर 32/100, फिर 33/100, ऐसे कहां तक लिखा जा सकता है, ये 70 है तो 69/69 तक। इसी प्रकार यदि 100 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए 100 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया 3/10, ऊपर भी 100 नीचे भी 100, तो ये क्या बन गया 300/1000। ठीक है, और 7/10 में गुणा कर दिया इंटू 100 नीचे भी 100 ऊपर भी 100, तो क्या बन जाएगा, 700/1000। तो इनके बीच की संख्याएं कैसे लिखेंगे आप, 301/1000, 302/1000, 303/1000, डैश डैश कहाँ तक आ जाएगी है, 699/1000। इसी प्रकार हजार का कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्याएं हो सकती है, क्या हो सकती है, अपरिमित परिमेय संख्याएं। हमें यदि दो
परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी हैं तो सबसे पहले उसके हर को समान बनाया जाता है, उन दोनों परिमेय संख्याओं के हर को समान बनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण नंबर छठा, क्या दिया गया है? माइनस दो और जीरो के मध्य तीन परिमेय संख्याएं लिखी है। देखिए हल माइनस दो और जीरो के मध्य तीन परिमेय संख्याएं लिखनी है। दोनों के हर में अभी कुछ नहीं, मतलब एक है, तो हर समान करना है एक से। तो आगे क्या बढ़ेंगे आप? सिर्फ क्या लिख सकते हैं? माइनस दो, फिर माइनस एक और जीरो, सिर्फ एक ही प्राप्त हो रही है, तो हर इसका चेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे, माइनस दो गुणा कर देते हैं दस का ऊपर, और दस का ही कहाँ करना पड़ेगा, फिर नीचे, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस बीस बटा दस। ठीक है, नेक्स्ट ज़ीरो, इसमें भी ऊपर नीचे दस का कर दो गुणा, तो ये क्या बन जाता है? ज़ीरो बटा दस। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए इसके बीच की परिमेय संख्याएं कैसे हो जाएगी, ये माइनस बीस है, फिर क्या आएगा? माइनस उन्नीस बटा दस, फिर माइनस अट्ठारह बटा दस, माइनस सत्रह बटा दस, माइनस सोलह बटा दस। कितनी पूछी है आपको? तीन परिमेय संख्याएं पूछी, तो इसमें से कोई भी तीन प्रदर्शित कर सकते हैं। ये कहाँ तक जाएगा? ये है ज़ीरो बटा दस। तो क्या होता है ज़ीरो से पहले? माइनस एक बटा दस। इनके बीच की कोई भी तीन संख्याएं आप लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट उदाहरण क्या है? माइनस पाँच बटा छः और पाँच बटा आठ के बीच में दस परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा अपना? इनके हर को समान करेंगे। कैसे? देखिए माइनस पाँच बटा छः, ठीक है, और इधर है पाँच बटा आठ, इसके हर में आठ, इसके हर में छः। तो देखिए छः के टेबल में चौबीस आता है, आता है, आठ के टेबल में चौबीस आता है, आता है, तो छः के टेबल में चौबीस कितनी बार आता है? चार बार, तो ऊपर नीचे चार का गुणा कर दिया आठ के टेबल। अब यहाँ तो हो गया छः चौक चौबीस, और यहाँ पर कैसा होएगा? आठ दिया चौबीस, तो किसका करेंगे? तीन का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। देखिए ये हो गया तीन का अंश और हर में गुणा। अब माइनस पाँच इंटू चार माइनस बीस, छः चौक चौबीस, क्लियर। इधर क्या हो जाएगा? पाँच दिया पंद्रह, और इधर हो जाएगा आठ दिया चौबीस। अब आप इनके बीच की परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। कैसे? देखिए ये हो जाएगा माइनस उन्नीस बटा चौबीस, फिर कौन सी आएगी? माइनस अट्ठारह बटा चौबीस, फिर कौन सी आएगी? माइनस सत्रह बटा चौबीस, फिर माइनस सोलह बटा चौबीस, माइनस पंद्रह बटा चौबीस, माइनस चौदह बटा चौबीस। देखिए कितनी हो गई, एक दो तीन चार पाँच छः, चार और लिख दीजिए तो दस हो जाएगी। माइनस तेरह बटा चौबीस, माइनस बारह बटा चौबीस, माइनस ग्यारह बटा चौबीस, और माइनस दस बटा चौबीस। तो ये हो गई दस परिमेय संख्याएं। ये कहाँ तक लिखनी पड़ेगी? अगर पूरी पूछी जाए तो यहाँ पर क्या है, पंद्रह से पहले क्या आएगा? चौदह बटे चौबीस तक। ठीक है, अब इस प्रश्न का एक ही उत्तर नहीं है, इसका दूसरा उत्तर भी हो सकता है। यदि आप में से किसी ने गुणा इनका बना दिया माइनस पाँच बटा छः, ठीक है, और इधर है पाँच बटा आठ, ज़रूरी नहीं है कि मैंने चॉइस बनाया तो आप भी चॉइस बनाएंगे, कोई अड़तालीस भी बना सकता है। अड़तालीस बनाने के लिए कि इसमें किसका गुणा करोगे? आठ का, और इसको अड़तालीस बनाने के लिए किसका गुणा करोगे? छः का। क्यों? आठ छंग अड़तालीस, आठ छंग अड़तालीस, हो गया। तो क्या उत्तर आ जाएगा? फाइव एट ज़ा फोर्टी अपॉन फोर्टी एट, फाइव सिक्स ज़ा थर्टी अपॉन फोर्टी एट। तो इनके बीच की संख्या आप अब लिखेंगे तो वो दूसरी हो जाएंगी, तो इसका फिक्स उत्तर नहीं होगा। ये भी सही है, किसी ने ये कर दिया तो ये भी सही होगा। क्लियर हो रहा है? तो आपको बस इनमें क्या करना है, हर समान करना है और बीच की संख्याएं लिख देनी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक बटा चार
और एक बटा दो के मध्य एक परिमेय संख्या, सिर्फ एक परिमेय संख्या ज्ञात करने को यदि कहा जाए आपको तो क्या कर सकते हैं? देखिए हल, इन जो भी दो संख्याएं दी गई है जैसे चार, अगर इनके बीच की परिमेय संख्या या प्राकृत संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे करोगे आप? ये आप पढ़ चुके हैं, इन दोनों का क्या ले लेंगे? माध्य। इन दोनों को जोड़ के दो का भाग लगा देते हैं, तो चार और छः क्या हो जाएगा? दस। और दस बटा दो तो क्या आ गया? बीच की संख्या आ गई ना, पाँच। तो पाँच कहाँ होगी? इन दोनों के बीच में। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार ए या बी दिया है तो आपको क्या लिख सकते हो? इन दोनों के बीच में क्या होगा? ए प्लस बी बटा दो। ये ए प्लस बी बटा दो क्या होगा? ए से तो बड़ा, बी से छोटा, इन दोनों के बीच की संख्या होगी। क्लियर? तो देखते हैं ये कैसे हल होगा। एक बटा चार प्लस क्या करोगे? एक बटा दो और भाग लगा देंगे दो का, तो ये क्या मिल जाता है हमको? माध्य। किन्हीं भी दो संख्याओं का माध्य निकालने के लिए क्या किया जाता है? दोनों को जोड़ा जाता है और दो से भाग लगा दिया जाता है। तो जोड़िए, एलसीएम लेंगे, चार, चार में चार का भाग लगाया, आया एक, एक गुणा एक एक, प्लस चार में दो का भाग लगाया, प्राप्त हुआ दो, दो गुणा एक दो, ठीक है। और इसको भाग लगाना है दो से। आगे देखिए, दो प्लस एक आया तीन बटा चार, इसको भाग लगाना है दो से। दो के नीचे कुछ नहीं, मतलब दो बटा एक, ठीक है। अब ये ऊपर इसको उल्टा कर देंगे। क्या पढ़ा था अपन? डिवाइड के चिन्ह को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए क्या होता है? पीछे वाला भिन्न उल्टा हो जाता है। तो तीन बटा चार डिवाइड किस में बदल दिया? मल्टीप्लाई में या गुणे में। तो पीछे वाला भिन्न मतलब ये क्या है? दो बटा एक किस में बदल जाएगा? एक बटा दो में। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? तीन बटा आठ। तो एक बटा चार और एक बटा दो का माध्य क्या प्राप्त हुआ हमें? तीन बटा आठ। तो ये इनके बीच की एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या है एक परिमेय संख्या अगर आपको पूछी तो उन दोनों संख्याओं का क्या ले लेंगे आप? माध्य। देखो इसको संख्या रेखा पर, अभी हमने देखा था बीच वाला पॉइंट क्या होता है? आधा, एक का आधा मतलब हाफ, एक बटा दो। अब जीरो और एक बटा दो का आधा कितना हो जाएगा? एक बटा चार। इसी प्रकार इन दोनों का भी आधा करेंगे, आधा प्लस एक, देखिए आधा प्लस एक, तो क्या प्राप्त हुआ? दो एलसीएम लिया, एक प्लस दो बराबर प्राप्त हुआ तीन बटा दो। इनका करना है अपन को आधा, तो क्या हो जाएगा ये? तीन बटा चार। तो ये क्या प्राप्त हुआ? तीन बटा चार। इसी प्रकार इन दोनों का आधा करोगे तो बीच में दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी, इन दोनों का माध्य लोगे तो यहाँ दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी, फिर इन दोनों का माध्य लोगे तो यहाँ दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, फिर इन दोनों का माध्य लेंगे तो यहाँ दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित परिमेय संख्याएँ होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, एक बटा चार और एक बटा दो में दो के मध्य तीन परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ दिया है एक बटा चार, यहाँ दिया है एक बटा दो। तो क्या करें? सबसे पहले इनके हर को समान कर दीजिए, इसका गुणा इसके अंश और हर में गुणा कर दिया दो का। क्यों करा? चार दुनी आठ, तो उधर किसका करना पड़ेगा? आठ बनाने के लिए चार का। तो ये हो जाएगा चार बटा चार। क्या प्राप्त हुआ हमें? दो बटा आठ और यहाँ प्राप्त हुआ चार बटा आठ। इनके मध्य की परिमेय संख्या लिखिए तो क्या लिख देंगे आप? तीन बटा आठ। तो और कुछ नहीं हो सकती, तो एक ही परिमेय संख्या प्राप्त हुई। अब क्या करना पड़ेगा? अपन को तो चाहिए थी तीन, तो इसके हर को बड़ी संख्या में बदलिए। कैसे? देखिए ये एक बटा चार है, अभी अपन ने गुणा किया है दो का और कितना बनाया? आठ बनाया है। यदि इसको सोलह बना दें
तो हो जाएगा, हर बड़ा करना है अपन को, तो 8 को इसकी जगह अपन को 16 बनाना है, तो किसका करेंगे गुणा, 4 चौक 16 होता है ना, 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, यहाँ 16 बनाना है, यहाँ 1/2 है, तो ऊपर और नीचे किसका गुणा करेंगे, 8 2 16, 8 का अंश में भी गुणा करेंगे और 8 का हर में भी गुणा करेंगे। देखिए ये हो गया 8 का ऊपर और नीचे गुणा, तो क्या प्राप्त हो गया, 4/16, और यहाँ क्या प्राप्त हो गया, 8/16, 4/16 और 8/16 इनके बीच की परिमेय संख्या लिखी है, तो क्या हो जाएगी, 5/16, 6/16 और 7/16, 3 परिमेय संख्या हो गई, तो अपन को 3 ही परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। क्लियर हुआ, उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे एग्जांपल्स समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के सवाल, तब तक के लिए जुड़े रहिए, धन्यवाद।